नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार दोस्तों, दूसरे राजनीतिक दलों को सक्रिय होते देख मायावती भी अब अपने शैल से बाहर आ रही है। मायावती ने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कई गंभीर कदम उठाए हैं, संगठन में बड़े लेवल पर बदलाव किए हैं और इन बदलाव के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बसपा ने अब कमर कस ली है 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। देखिए, पिछले दिनों लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, बसपा में कई बड़े बड़े नेता जो कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पिछले दिनों हटा दिए गए थे, उन्हें वापस बुलाया गया था। इनमें से ज़्यादातर आगरा अलीगढ़ मंडल के थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के समय अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हटाया गया था और इन्हें वापस पार्टी में शामिल किया गया था। उसी समय ये स्पष्ट हो गया था कि बसपा अब अपने कार्यकर्ताओं की पूछ कर रही है, उनकी कदर की जा रही है। जो लोग वापस बुलाए गए थे उनमें भारतेंद्र, अरुण, गोरेलाल जाटव, प्रेमचंद और इंद्रजीत सिंह, प्रीतम सिंह, रामवीर सिंह, अखिलेश दिनकर, जेपी सागर, गजराज सिंह, तेज सिंह, ये लोग थे और बहुत से लोग इनके साथ आए थे। 18 मेन नेता जो वापस आए थे। अब मायावती ने संगठन में बदलाव शुरू कर दिया है, उन्होंने अपना नया स्ट्रक्चर बनाया है और दो दो पदाधिकारियों को बुलाकर अलग अलग उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में उनसे साथ बैठ के की और उसके बाद इस बदलाव का ऐलान किया गया है। और अब जो है मंडलों पर जो कई कई सेक्टर प्रभारी होते थे वो व्यवस्था ख़त्म की जा रही है। अब मंडल पर मुख्य सेक्टर प्रभारी की तैनाती होगी और जिले स्तर पर भी सेक्टर प्रभारी बनाए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी अपनी मनमर्जी चला ले, मनमर्जी से टिकट बांट ले। टिकटों को लेकर खास तौर से बसपा में झगड़ा पहले से होता रहा है, आरोप लगते रहे हैं, उससे बचने की कोशिश मायावती इस बार कर रही है। इसके अलावा जो बड़े नेता, कुछ पुराने दिग्गज नेता जिन्हें कि दूसरे प्रदेशों में प्रभारी के रूप पर भेजा गया था चुनाव के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे स्टेट्स में पंजाब, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है और उन्हें प्रदेश में मंडलों की संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि आप यहाँ पर संगठन को खड़ा कीजिए अगले 1.5-2 साल में। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को लखनऊ मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को प्रयागराज मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। कुछ बदलाव किए गए हैं और हर एक मंडल को अलग अलग टीमों के सुपुर्द किया गया है। जैसे कि लखनऊ में 4 मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। लखनऊ मंडल में लालजी वर्मा, एमएलसी भीमराव अंबेडकर, शमशुद्दीन राइन, राजकुमार गौतम और इसके अलावा मंडल में 3-3 जिलों पर 2 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। जैसे कि लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली की एक टीम होगी और एक टीम सीतापुर, हरदोई और खीरी को देखेगी। इस तरह से लखनऊ में 4 अलग अलग सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। मंडल प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, ये बड़ा पद है और महत्वपूर्ण पद है। कानपुर में आरएस कुशवाहा, हेमंत प्रताप सिंह, बोध सिंह प्रिय गौतम, ये मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। प्रयागराज में रामचल राजभर, डॉक्टर रामकुमार कुरील, डॉक्टर अशोक गौतम, टिकेश गौतम, ये मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। शमशुद्दीन राइन, इनको काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और इनको, शमशुद्दीन राइन को मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ का बनाने के साथ साथ मेरठ और सहारनपुर मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। और अलीगढ़ का काम प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली देखेंगे, रणवीर सिंह कश्यप उनके साथ रहेंगे।
आगरा मंडल का काम मुनकाद अली देखेंगे, सुमित जैन उनके साथ रहेंगे, बरेली का काम गिरीश चंद जाटव जो सांसद हैं वो देखेंगे और उनके साथ शमशुद्दीन राइन रहेंगे। यही दोनों नेता गिरीश चंद जाटव और शमशुद्दीन राइन मुरादाबाद का भी काम देखेंगे। तो कुल टोटल इस जो भी टोटल ये जो सिनेरियो चेंज किया है मायावती ने, उसे देखकर ये मैसेज तो साफ हो गया है कि अब दूसरे दल जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मायावती भी उसी तरीके से फॉर्म में आना चाहती हैं। और पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों के, उसमें बहुत भारी झटका मायावती ने खाया था। उन्होंने अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ा था जो कि लोकसभा चुनाव के समय हुआ था, और अकेले जाने का फैसला लिया था। कभी उपचुनाव मायावती लड़ती नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव उन्होंने लड़ा था और इसमें बुरी तरह मात खाई थी। ये झटका उन्हें तगड़ा लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप कह सकते हैं कि आपने अखिलेश यादव के साथ मिलकर अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली, लेकिन अब चूंकि गठबंधन से आप अलग हैं, अकेले आपको चुनाव में जाना है, कांग्रेस से आपकी बनती नहीं है, तो आपको संगठन और उसके कार्यकर्ताओं की वैल्यू करनी होगी। और यही अब मायावती को समझ में आ गया है। मुनकाद अली को प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की वजह एक ये भी नज़र आ रही है कि वो संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। बहुत से नेता छोड़ के चले गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, पूर्व सांसद राज्यसभा के राजपाल सैनी पार्टी से अब बाहर हो चुके हैं, कई इस तरह के नेता जो पार्टी में नहीं रहे हैं उन लोगों को वापस बुलाने की भी मुहिम शायद जल्द ही शुरू हो सकती है। हो सकता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दोबारा आप बसपा में देखें। तो कई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और बसपा ने अब कमर कस ली है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिस करने का एक प्लान भी बनाया है कि हम मध्य प्रदेश में जो 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होंगे उन्हें अकेले लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से टक्कर लेंगे। तो ये एक बड़ा समय है बदलाव का, और इस समय में अगर बीजेपी को टक्कर देने की पोजीशन में बसपा आती है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ ये लगी हुई है कि बीजेपी के बाद प्रदेश की सेकंड नंबर की पार्टी कौन बने। अगर मायावती एक्टिव होती हैं तो उनके सेकंड नंबर पर पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। बहरहाल मायावती की गतिविधियों पर हम नज़र बनाए रखेंगे। हम लगातार बसपा, मायावती, इनको ट्रैक करते रहे हैं। मायावती को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है मेरी उत्तर प्रदेश चुनावों की 2022 की, वो तैयार है, उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।